अडानी समूह लगभग 2300 करोड़ 2300 करोड़ की रिश्वत यहां सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को, अधिकारियों को, तमाम उद्योगों के लिए दी गई है। ये गंभीर चिंता का विषय है। आर्थिक बड़ा घोटाला है। इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 2300 करोड़ की रिश्वत है तो फिर इसमें घोटाला कितना बड़ा होगा। मणिपुर मुद्दा को हमने उठाने के लिए कहा है कि अब स्थित वहां नियंत्रण से बाहर जा रही, सब कुछ करने के बाद भी इस सरकार में राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है। बाटो काटो के तहत वहां बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री हम हटाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी हम जाएंगे नहीं, उसके कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। आज सभी दलों की एक संयुक्त बैठक परंपरा के अनुसार विंटर सेशन के पहले हुई। कांग्रेस ने अपना पक्ष, क्योंकि वो मुख्य विरोधी दल है, रखते हुए सरकार से यह आग्रह किया है कि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ने जो वहां के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने, एक कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि यहां का एक प्रमुख औद्योगिक घराना जो सिर्फ उद्योग को ही नियंत्रित कर रहा है बल्कि इस सरकार को नियंत्रित कर रहा है, जैसी रिपोर्ट आई थी, अडानी समूह लगभग 2300 करोड़ 2300 करोड़ की रिश्वत यहां सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को, अधिकारियों को, सोलर एनर्जी उससे जुड़े हुए तमाम उद्योगों के लिए दी गई है। ये गंभीर चिंता का विषय है। आर्थिक बड़ा घोटाला है। इससे अंदाजा लगाइए कि अगर 2300 करोड़ की रिश्वत है तो फिर इसमें घोटाला कितना बड़ा होगा। ये देश हित के खिलाफ है, देश के आर्थिक हितों के खिलाफ है, देश के सुरक्षा हितों के खिलाफ। हमने ये इच्छा जाहिर की है, सारे चीजें बाद में, सबसे पहले यहां मणिपुर मुद्दा को हमने उठाने के लिए कहा है कि अब स्थित वहां नियंत्रण से बाहर जा रही है, सब कुछ करने के बाद भी इस सरकार में राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है। बाटो काटो के तहत वहां बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं और कोई कानून व्यवस्था मणिपुर में नहीं रही है। पर मुख्यमंत्री हम हटाएंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी हम जाएंगे नहीं, उसके कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। एक सीमावर्ती संवेदनशील राज्य में ये देश हित में नहीं है। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड टूट चुके सारे। इसके अलावा जो हमने देखा है, कभी कहा था प्रधानमंत्री ने कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, कोई है नहीं, और फिर वार्ता होके विड्रॉल ऑफ द फोर्सेज हो रहा है। तो आखिर विड्रॉल ऑफ द फोर्सेज कहां से हो रहा है, उसके बारे में देश को विश्वास में लिया जाना चाहिए, पार्लियामेंट में इस पर बयान आना चाहिए, जैसा 1962 में भी आया था। मैं एक और चिंता अपनी और देश की, खास तौर से नॉर्दर्न रीजन में, उत्तरी भारत में पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर से गंभीरतम होती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। देश जानना चाहता है, कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए मुद्दा उठाया है कि पॉल्यूशन के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। इसी तरह सोशल जस्टिस है।
और अब तो ट्रेन में बैठने में लोग डरने लगे हैं कि रात में बैठें और सुबह तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बेशुमार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ी हैं, कोई नियंत्रण नहीं रहा है। तो जम्मू कश्मीर में कोई दिन नहीं जाता जब आप लोग नहीं दिखाते या हम पढ़ते नहीं, कोई ना कोई टेररिस्ट एक्टिविटी किलिंग हो रही है और सेलेक्टेड किलिंग हो रही है। तो ये कुछ चुनिंदा मुद्दे हैं और हमने रखे हैं, ये एडजोर्नमेंट मोशन लाएंगे क्या, चुनिंदे मुद्दा रखे हैं।